हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड ब्लॉग। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, मैं लेकर आया हूँ विमेक्स ट्रिक। तो गाइस ये बेबी क्यूट साइकिल है जो पांडा कंपनी से, इसके जो प्रोडक्ट आते हैं अलग अलग कंपनी के, सैरी आता है, एक पांडा आता है, तो ये बेबी क्यूट कंपनी के प्रोडक्ट है। तो जैसे कि गाइस इसके अंदर है, तो ये अलग अलग इसके पार्ट आते हैं, इसको करेंगे असेंबल करेंगे। गाइस असेंबल करने के बाद ये देखो, इसके सब अलग अलग पार्ट है गाइस, ये देखो। अब मैं इसको असेंबल करके आपको बताऊंगा, इसका अलग अलग पार्ट आते हैं। जैसे कि ये वाला कहाँ पे लगेगा, जैसे कि आप मेरे पास से आपने तो खरीद ली, खरीदने के बाद आप घर जाके इसको आप एक जगह पे इसका नट वगैरह स्क्रू होता है अलग अलग लगा दे तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें गाइस मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कौन सा नट कहाँ पे लगता है, और इसमें सतरी वाले नट वो कहाँ पे लगते हैं, सीट के नट अलग आते हैं, जो इसके डिग्गी आती है पीछे बेबी के टॉय रखने के लिए उसके भी नट अलग आते हैं। तो गाइस चलो गाइस इसको करते हैं। गाइस ये है सेसिस, और हर बॉक्स के अंदर ऐसे आता पाउच जिसके अंदर इसकी कैप है, स्क्रू है, छोटा मोटा आइटम आता है, नट वगैरह जो एक अलग बॉक्स के अंदर होता है, नहीं तो क्या ट्रेवलिंग में माल होता तो इधर उधर गिर जाते हैं, ये गिरेगा नहीं। तो गाइस सबसे पहले हम लगाते हैं टायर, ये वाला नट है, और इसके अंदर ये आती ब्लैक वाली स्क्रू, साखी बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं। तो गाइस इसको एक आगे लगा दो, ऐसे एक लगा दो यहाँ पे पीछे, ठीक है। ये वाला है, इसके अंदर ऐसे डाल दो, ऐसे डालो, और ये जो रेड बटन है इसको कर दो ऐसे पुश करके, इसके अंदर डाल दो। जैसे ही गाइस ये इसके अंदर फिट होगा ना, आ जाएगी टिक टिक। ये देखो भाई बस ये हो गया फिट, अब नहीं निकलेगा गाइस ये बाहर। जैसे आप ये रेड बटन दबाओगे तो ही बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये तो भाई निकल गया था, तो वो यहाँ पे लगा देता हूँ, ये फिट हो गया। और ये है इसका दूसरा टायर है, तो ये भी गाइस लगेगा इसके अंदर। ये दो इसके स्क्रू है, तो ये लगता है एक आगे लगता है और एक लगता है पीछे। फिर यहाँ पे लगा, एक लगा यहाँ, और फिर ये डालते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आ गया। वापिस ये रेड वाला बटन दबाओ, ये इसके अंदर डाल दो, ऐसे हो गया लॉक। अब गाइस ये बाहर नहीं निकलेगा। फिर गाइस जाते हैं इसके आगे वाला भाग, आगे वाले भाग में है ये, ये वाला है, तो इसको मैं ऐसे जोर से करता हूँ क्या, तो इसको ये वाला है दो स्क्रू वो लगेगा यहाँ पे, ये लग गया। ये आ गई यहाँ पे पूरी, और अब इसके नीचे हम कटेंगे स्क्रू, अब इसके अंदर ही आता है इसका स्क्रू है, ये वाला है वो लगा देंगे यहाँ पे, ये लगाने के बाद इसको थोड़ा कर देते हैं प्लास्टिक टाइट, ये हो गया गाइस टाइट, ठीक है। फिर लगाते हैं ये, ये गाइस जो पहले निकला हुआ आया था, निकल भी जाए तो ये ऐसे करके, ये हो गया फिट, इसको हम फिट करेंगे, ये हो गया फिट ऐसे।
ये आते रोटेट बच्चों के पैर रखने, इसके आता ये लोग, ये लोग को देने और ये तो भाई मैंने लगाया अभी भाई, इसको भी मैं अब लगाऊंगा यहाँ पे। भाई इसको मैं बाद में लगा, पहला जो मेन मेन काम है वो कर दे। अंदर लाइट लगेगी आगे। गाइस ये सीट है, ये गाइस 360 डिग्री पे घूमती है, इसके ऊपर बच्चा भी बे, ये सीट बेल्ट है, ये वाले ऐसे लगा के बे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो वो गिरेगा। आप इसको देखो, पार्क में खड़े हो तो बच्चे को अकेले भी छोड़ सकते हो, दूसरी बार साइकिल में क्या गिर सकता है, इसमें क्या ये सीट बेल्ट लगाने के बाद वो गिरेगा नहीं, इसका फिटिंग भी हो जाता है। तो गाइस को करते हैं इसके ऊपर फिट। इसके ऊपर लगती है ये रेड वाली कैप, ऐसे ये लग गई और एक लगेगी यहाँ पर। यार कैसे नसीब है, ग
गाइस आप जब भी ये ट्राइसाइकिल को घर पे अनसेबल करते हो हथौड़ी के पास में होनी चाहिए, हथौड़ी नहीं है तो आपसे नहीं होगी। ये लगा दिया इसके ऊपर और इसके अंदर लगा दी टायर के अंदर कैप, इसके आगे टायर की फिनिशिंग। ये गाइस ये कैप अम्ब्रेला, ये गाइस वाटरप्रूफ है, ये लगता है ऐसे लगन। और इसका जो हैंडल है जो गाइस ये पीछे वाला ये कंट्रोल स्टैंड है, ये देखो गाइस इसके अंदर यहाँ पे लगता है, हो गया फिट, ये लगता है इसके अंदर है। ये दो लॉक हो गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, ये लॉक हो गए, लॉक दिख रहा है, ये लॉक हो। और गाइस फिर आते हैं इसके अंदर ये छोटी सी पाइप टाइप है, इसको ये वाला एंड ये वाला ये जे टाइप है वो तो लगाना है आपके आगे, आपके आगे नहीं साइकिल के। और ये देख लो वो लगेगा यहाँ पे, इसके पास में एक छोटा सा वो लगेगा यहाँ पे, फिर वो आपको ये हैंडल को यहाँ पे ऐसे करेंगे ऐसे, ऐसे लगेगा हो रहा है कंट्रोल, तो गाइस आप पहले क्या इसको अनबॉक्सिंग कर तो यहाँ से वो करते हैं फोल्डिंग, ये हो गया लॉक, फिर यहाँ से इसके स्क्रू है वो कर लेता हूँ एक मिनट। ये म्यूजिक सेट एंड साइकिल का, तो उसमें इसके ये तीन पावर लगते हैं, वो यहाँ पे इसका स्क्रू खोल दो स्क्रू से और यहाँ पे तीन पावर लगते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाइस बनके ये हो गए साइकिल रेडी, तो एक बार आप देख लो इस साइकिल को, ये वाली कैप है गाइस, इस कैप को ये देख लो लॉक करना हो ऐसे यहाँ से होती लॉक, ये लॉक हो गई और गाइस ये हो गई ऐसे पूरी, और इसको खोलना हो भाई ये देख लो यहाँ से ये ऐसे खुल जाएगा, इसका लॉक है ऐसे खोलो तो ये खुल गया, तो बंद करो ये बंद हो गया। और ये इसका गाइस म्यूजिक सिस्टम है, तो सुन लो LED लाइट वगैरह है, मल्टी कलर लाइट है इसमें, इसमें पॉइंट भी अलग अलग है बच्चों की, सब अलग अलग पॉइंट है। और गाइस ये कैप है जिसमें बच्चों के टॉयज वगैरह वो रख सकता है, और इसका हैंडल है लेफ्ट राइट करने के लिए। और गाइस ये देख लो इसको घुमाया ऐसे,
360 डिग्री पे घूमती है और यहाँ पे इसको गाइस कर दो लॉक, ये हो गई अपने आप लॉक हो जाती है। और ये बच्चों के रोटेट है जो पैर रखने, मतलब एक साल का हो दो साल तक वो बच्चा अपने आप नहीं चल सकता है तो वहाँ पे ये पैर रख सकता है, उसके बाद वो पेंडल देना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस ये 1 मंथ से स्टार्टिंग होती है, 5 ईयर तक बच्चा आराम से चला लेता है। गुड मॉर्निंग मुन्ना भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बस ठीक, बोलो। जैसलमेर के मेरे सभी भाइयों से माता बहनों से ये निवेदन रहेगा कि अगर घर में कुछ फंक्शन होता है, बच्चों का जन्मदिन होता है, शादी ब्याह का टाइम होता है, तो आप एक बार जरूर पधारिए। आप मेन मार्केट जिंदानी चौकी में गणेश गिफ्ट गैलरी है, यहाँ पर आइए। आपको यहाँ पर आपको एकदम कम रेट में आपको इतना अच्छा कलेक्शन मिलेगा जो आप खुद बोलोगे कि यार हम इतने पागल थे कि आज उससे दूर जाके शॉपिंग करते हैं। आपको वो कलेक्शन आपको कम रेट मिलेगा और आपको बहुत अच्छा सामान मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ शॉपिंग करते हैं। मैंने यहाँ से काफ़ी बार गिफ्ट आइटम सब शॉपिंग करी है और मुझको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का आइटम यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा हमको। इसलिए आप सभी बहनों से माता बहनों भाइयों से अपनी आप ज़रूर बता रही है, हमको एक बार सेवा का मौका दीजिए। बोल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। और इस जो हमारे भाई का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप आपसे यही रहेगा कि आप जब भी आइए यहाँ पर आप कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा अवेलेबल है। और बच्चों का किड्स से लेके आपको बड़ों तक का आइटम सब आपको मिल जाएगा, सब वॉच गिफ्ट परफ्यूम सब आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा कलेक्शन है बच्चों के लिए, खिलौने बच्चों के लिए, बाइक वगैरह आपको सब मिल जाएगी आपको। एक बार हमें आप सेवा का मौका दीजिए। थैंक्स मुन्ना भैया, नेक्स्ट बार और बार विजिट करना, ठीक है? जी जी जरूर, ओके।